जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के हाई प्रोफाइल अपहरण और रिहाई के 3 दशक बाद 15 जुलाई को इस केस का अपडेट आया है। 1989 में हुए अपहरण कांड की सुनवाई के मामले में रुबैया सईद पहली बार कोर्ट के सामने पेश हुई। दरअसल जब से ये केस सामने आया था तब से ही ये पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं हो पाया था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF के चीफ यासीन मलिक ने ही रुबैया का अपहरण किया है। लेकिन कल अदालत में रुबैया ने बताया कि 1989 में यासीन मलिक ने 3 और लोगों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया था। 15 जुलाई को अपने 4 अपहरणकर्ताओं की पहचान रुबैया ने की और कोर्ट के सामने काफी डिटेल्स रखी। दरअसल ये मामला जम्मू कश्मीर का है जब 90 के दशक में वहां पर आतंकवाद अपने चरम पर था। उसी समय तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण हो गया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के बड़े नेता थे और वो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन 1989 में केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की खबर ने पूरे देश में बवाल मचा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी को छोड़ने के लिए उस समय की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बाद में रुबैया को छोड़ने के लिए सरकार को 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। इस पूरे कांड में JKLF का सरगना यासीन मलिक मास्टरमाइंड था जो घाटी में अलगाववाद फैला रहा था। आपको बता दें कि यासीन मलिक इस समय टेरर फंडिंग के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहा है। 1990 के दौरान वायुसेना के 4 कर्मचारियों पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की गई थी। इसमें वायुसेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और 40 लोग से ज्यादा घायल हो गए थे। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए ABP Live।